चैप्टर नंबर फर्स्ट सबका कंप्लीट है, चैप्टर नंबर टू के एक्सरसाइज को मैं करा देता हूँ। चैप्टर नंबर टू को देखो, इसके अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी, उसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ थ्रू। तो हमारा जो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन। अब इन लोग को आप नोट कर लेना, इसके बाद मत कहना कि फर्स्ट और सेकंड हमारा वह कुछ भी पेंडिंग है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स टर्न्स टुवर्ड्स द सन, तो है सी यानी सन फ्लावर। नंबर थर्ड, लिविंग थिंग्स दैट गिव ब्रीथ बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। नंबर फोर्थ, अर्थ वॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। एंड नंबर फिफ्थ, प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। ये तो हो गए आपके एमसीक्यू। इसके बाद देखो ट्रू फॉल्स, नंबर फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फिफ्थ में फॉल्स एंड फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में ट्रू। समझ लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर फूड फॉर सर्वाइवल, यस ऑल लिविंग थिंग हैव नोज टू ब्रीथ, फॉल्स। स्टीम्स एंड रूट ऑफ सम प्लांट्स हैव सम ऑल्सो स्टोमेटा, ट्रू सॉरी फॉल्स। देयर इज नो चेंज इन अवर बॉडी एज यू ग्रो, फॉल्स। एंड सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ट्रू। इसके बाद है आपके मैचअप्स, तो फर्स्ट का अर्थवर्म का आंसर है स्किन यानी डी, सेकंड लीव्स का आंसर है इट मींस प्रिपेयर फूड इट मींस ई, नंबर थर्ड एलिफेंट जिसका आंसर है मैमल यानी ए, नंबर फोर्थ फिश यानी इसका आंसर है बी यानी गिल्स, एंड नंबर फिफ्थ प्लांट्स उसका आंसर है स्टोमेटा यानी सी। इसके बाद बात आती है फिलिंदा ब्लैंक्स की, तो देखो फर्स्ट फिलिंदा ब्लैंक्स में हमारा क्या आएगा, फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। नंबर टू, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। नंबर थर्ड, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। एंड नंबर फोर्थ, फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड नंबर फिफ्थ, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर टू की जो एक्सरसाइज अगर रिमेनिंग रह गई हो, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कल कराए थे, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर नंबर वन और टू का रिवीजन कंप्लीट है, अब आपका रिवीजन का सेकंड पार्ट यानी कि आपको अब लर्न करके मुझे सुनाना है, वो इनकम्प्लीट है। मेरी तरफ से आपका रिवीजन प्रॉपर कम्प्लीट है। अब कल मैं आप लोगों से इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर की सुनूंगा। अभी भी आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में कोई भी डाउट हो तो आज लास्ट आप पूछ लीजिए, कल मैं केवल मैं सुनूंगा। इसलिए आज अपने डाउट्स को आप क्लियर कर लो और उस कल सुनने के साथ साथ मैं चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये डेली एक्सक्यूज मत रखो कि मेरे पास ये नहीं हो रहा, मेरे पास वो नहीं हो रहा। आज आप कर लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में कोई भी डाउट हो पूछो।